सर्वप्रथम आह्वान करें परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, वह अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 50वें पृष्ठ की 22वीं पंक्ति पर 24वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तदनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, एलोंग ए पाथ ऑफ एओन सर्पेंटाइन इन द कॉइल्ड ब्लैकनेस ऑफ हर नीसाइंट कोर्स द अर्थ गॉडेस टॉइल्स अक्रॉस द सैंड्स ऑफ टाइम। ए बीइंग इज इन हर हूम शी होप्स टू नो, ए वर्ड स्पीक्स टू हर हार्ट शी कैन नॉट हियर, ए फेट कंपेल्स हूज फॉर्म शी कैन नॉट सी। गुरु के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी कोई जड़त्वधारी जीवन विहीन पदार्थ से निर्मिति मात्र नहीं है। धरती की अपनी सत्ता, जिसकी अपनी स्वयं की एक चेतना है, जिसके निर्मिति के अस्तित्व के कण कण में, कण कण के बाह्याकार में आत्मा चैतन्य का निवास है, जो निश्चेतन जड़ बाह्याकारित चेतना पर व्याप्त धारित एवं उससे व्याप्त सचेतन अंश चैतन्य आत्मा के प्रवेश से धरा अभिव्यक्ति में रूपायित होकर देश काल सीमाबद्ध होकर महाप्रकृति की सतत विकासोन्मुख क्रिया से संचालित बनकर भागवत संकल्प, जिसे वह सृजन आरंभ क्षण से ही अपने भीतर गर्भ में गर्भायित किए रहकर पूर्ण विकास का बीज धारण किए रहकर सतत मंद विकसित होते हुए नित नवीन उन्नत स्वरूपों में अभिव्यक्त होती चली जा रही है। भागवत संकल्प सिद्धि प्रयास में रत निश्चेतन आकारों के अद्यावरण को उड़े शाश्वत अंश आत्मा अत्यंत धीमी गति से अंतर में गर्भाई सत्य के सतत मंदतम अनावरण की विकास क्रम की क्रिया से उन्नत परिवर्तित रूपों आकारों में ढलकर विकसित होती जाती है, जिसके मंद विकासोन्मुख अभिव्यक्तिकरण का अत्यंत ही टेढ़ा मेढ़ा और दुरूह मार्ग है। क्योंकि स्व पर बाह्याकारित चेतना पर पड़े निश्चेतन आवरण की जड़ीभूत अंधकारमय शर्तें यही हैं
जहाँ से सृष्टि सृजन व्यक्त स्वरूप आरंभ हुआ और अपने गंतव्य लक्ष्य तक पहुँचने के संपूर्ण मार्ग के लिए भी यही कठोर कठिन विधान का मार्ग है। धरती अस्तित्व के सबसे छोटे अणु या परमाणु के आकार में ऐसा शाश्वत अरूप अपदार्थ शाश्वत अंश जो आकारों के भीतर निवसित रहते हुए अनाकारित अंत स्थल में सदैव मौजूद रहकर मानवों के भीतर उसके व्यक्तित्व के अंतःस्थल में सदैव स्थिति शाश्वत अंश अंतः पुरुष गहन गहराई में भीतर छिपे रहकर सृजन आरंभ से लेकर भागवत संकल्प सिद्धि हेतु अथक श्रमरत रहते हुए युगों युगों के काल चक्रों के बीच चुकने पर भी स्व पर पड़े बाह्याकारी चेतना के जड़त्व से मानवता तक के अर्ध चेतन अभिव्यक्ति करण की प्रक्रिया में देवी दिव्य ढंग से प्रकाशित होते चले जाने की एक सर्पाकार टेढ़ी मेढ़ी गति से सतत बढ़ते चले जाने की प्रक्रिया में तन्मय बने रहते हैं। धरती का व्यष्टि कण एवं समष्टि पूर्ण रूप हृदय स्थल में एक आत्मा का व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर निवास है, जिसका यह भौतिक धरा का एक कण एवं पूर्ण पृथ्वी घर बना हुआ है। इनमें निवसित ग्रह स्वामी जो सदैव बाह्य आकार में पुरुष या इसके स्वामी हैं, उनको शायद यह अस्तित्व आकारित ग्रह कभी समझ सकेगा। ऐसी ये भीतर निवसित शाश्वत अंश ग्रह स्वामी अंतर में रहते हुए सदैव आशा करते रहते हैं, गुप्त रहते हुए प्राप्त शाश्वत संकल्प संदेश या प्रतिज्ञा को अंतर में नाना प्रकार से उच्चरित करते हुए संपूर्ण सत्ता को ये कुछ कहते रहते हैं, किंतु बाह्य जड़ीभूत अचित रूपायित आकार न तो कभी उसे सुन और न ही कभी उसे समझ ही पाते हैं। जड़ीभूत अचित अज्ञ बाह्य आवरण को ऐसी शक्ति विकसित करनी होगी कि भीतर अंतर में गुंजरित आत्मा की दिव्य वाणी के शब्द को वह सुन सके। ऐसी दिव्य दृष्टि विकसित करनी होगी जो आत्म प्रेरित संचालित सत्य को ठीक ठीक देखो जान सके। किंतु अभी तो मानव देश काल सीमाबद्ध विधि विधान की जटिल एवं कठोरतम प्रयासों से भाग्य द्वारा बढ़ते जाते विकास क्रम काल मरुस्थल पर यह पृथ्वी देवी घोर श्रमरत रहते हुए उन्नत अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया की ओर सतत बढ़ते जाने को बाध्य रहकर सतत बढ़ती जाती है। किंतु भीतर निवसित ग्रह स्वामी पुरुष को फिर भी मानव सत्ता कभी देख
जान और समझ नहीं पाती, न ही यह बाह्य आकारित व्यष्टि समष्टि एवं धरती ही जान समझ पाती। आज हम इस सार गर्भित विषय को यही विराम देते हैं। आह्वान परवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा, सीखा, समझा, जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें, प्रकट हुए इस ज्ञान को, विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के ध्रुव पथ पर हमें इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुव पथ पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें, भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है। Oh.